भाई जाओ भैया, सत्यम 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 इधर आ जाओ, सत्यम सत्यम भाई बाहर आ जाओ। इसको हाँ भाई, इसको हॉस्पिटल के लिए निकलवाइए। तलाशी एक ले लीजिए आप, उससे कोई और कुछ की तलाशी लीजिए फटाफट, उड़ा 5 मिनट में चलो 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 ठीक है, पहुंचो निकलो। बताया गया था ना, हाँ बैठिए जल्दी, रामो कहाँ है, क्या घटना हुई है और कहाँ पे हुई है और किसको चोट लगी है? आज यहाँ पर देवरख तिराहे के पास में व्हीकल चेकिंग के दौरान एक अपराधी मिला है हमें। बेसिकली हम लोग अपराधियों की धरपकड़ और ख़ास तौर से जो इस मध्य में चैन स्नैचिंग की घटनाएं चल रही थी उसको रोकने के लिए प्रयासरत थे। अलग अलग जगहों पर चेकिंग चल रही है इसी के क्रम में, और यहाँ पर आउटस्कर्ट्स पर आप जानते हैं कि जहाँ पर संभावनाएँ रहती हैं यहाँ पर हमारी रेगुलर चेकिंग होती है। इस जगह पर हमारी टीम को देख करके ये जो अपराधी हैं ये भागे हैं, टीम को देख करके भागने के बाद ये गए हैं लेफ्ट साइड में अंदर लिए हैं, अंदर इनको रास्ता नहीं मिला है, फिर वापस आए हैं। वापस आते समय पुलिस टीम को डाउट हुआ है, पुलिस टीम के ऊपर उन्होंने फिर फायरिंग करने की कोशिश करी है, फायरिंग करी है। उसी के क्रम में पुलिस ने जो बचावच जो जवाबी कार्रवाई करी है उसमें ये घायल हुए हैं। इनका नाम अभिनव शर्मा है, इनके गाड़ी पर स्कूटी है जिस पर डिफेंस लगा हुआ है, और बताया जा रहा है जैसा कि प्राथमिक तौर पर बताया गया कि उन्होंने बताया है कि ये इसके पहले कई सारी चैन स्नैचिंग कर चुके हैं। आगे की पूछताछ और किसके साथ किए हैं ये सब बाद में की जाएगी, और आगे अभी इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए, और इसी के अनुरूप न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सब डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा।